हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये फाइंड करने हैं क्या। जैसे फर्स्ट ए है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 105 इज 21, मतलब कितना परसेंट 105 का कितना परसेंट 21 होगा, वो परसेंट निकालना था हमें। पता नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेंगे। मान लो 105 का एक्स परसेंट। ओके, तो 7th का ए, तो देखिए ये मुझे व्हाट परसेंट ऑफ 105 इज 21, तो लेट एक्स परसेंट ऑफ 105 इज 21, ओके 21, देन क्या होगा, देन एक्स परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 105 इज इक्वल टू 21 है। ओके ठीक, अब देखिए एक्स के साथ जो मल्टीपल में है ट्रांसपोज करेंगे, अदर साइड ले जाएंगे, वो तो डिवाइड में होगा। जैसे कि ये 105 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जाने पर मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में। ओके, और ये जो डिवाइड में 100 है यानी यहाँ, वो इधर मल्टीप्लाई में। ओके, नाउ एक्स इक्वल टू 21 का 105 में डिवाइड, ठीक है 33 का डिवाइड करो पहले, 37 जो 21 और ये 33 जो 9, 35 जो 15, और नाउ 71 जो 75 जो 35। अब 5 का 100 में 52 जा 10 और ये 0, तो 20 आ गया, मतलब 20% निकालना है, कितना हो गया 20%। ओके, सेम वे इसके बी सी डी एफ तक है, ई और एफ, ये आपके 5 पार्ट्स हैं जो आपको सेल्फ करने, सेम इसी टाइप से होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, वाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 15 मिनट। ओके, वाट परसेंट ऑफ 1 आवर, देखो 1 आवर है ये मिनट है, तो इसको मिनट में करना पड़ेगा, और वाट परसेंट एक्स परसेंट मान लो। ओके, लेट एक्स परसेंट ऑफ 1 आवर मतलब 60 मिनट होता है। ओके, 1 आवर 60 मिनट्स इज 15 मिनट्स, आपका जो 1 आवर है उसको हम 60 मिनट मानूंगा। ओके, एक्स परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 60 मिनट। ओके, 60 मिनट और इक्वल में इज 15, तो देखिए 0 से तो 0 कैंसिल, यानी एक्स मल्टीप्लाई 6/10 इज इक्वल टू 15। अब देखो ये जो 10 है यहाँ एक्स का डिवाइड में, उधर जाने पर मल्टीप्लाई में होगा, ये जो मल्टीप्लाई में 6 है ये डिवाइड में जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करो, लोएस्ट फॉर्म में लाओ, 3 का टेबल लगाओ डिवाइड, 3 का टेबल इसमें 5 भर जाएगा, 3 5 जो 15 और 3 2 या 6। अब ऐसे ही 2 का डिवाइड करेंगे 10 में, 2 1 जो 2 2 5 जो 10, तो मतलब 5 5 जो 25, तो 25% हो गया इसका, कितना परसेंट 25% हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, 80% प्रेजेंट हैं, तो कितने प्रेजेंट हैं, तो देखो सिंपल, टोटल स्टूडेंट्स हैं 500, यह दिया हुआ है 500, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, तो कितना है यहाँ दिया है 80% प्रेजेंट है, 80%, तो 80% ऑफ 500, 80% का मतलब आउट ऑफ 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यह क्या है 500, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 8 5 जा 40 और ये 0, यानी 400 स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट हैं,
आप इस तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। तो ये तीनों क्वेश्चंस करो, फिर कल करते।